सर, आज शिवसेना भाजपा में जो पालिका में पूरा माहौल दंगा हुआ, ये दंगा पॉलिटिकल स्टंट था या ये सच में किसी का अपमान था? ये हकीकत में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का अपमान है। स्टंट करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि एजेंडा पे विषय ही नहीं लिया। प्रशासन ने विषय लिया नहीं। 2 करोड़ महापालिका देने वाली है, 48 करोड़ सरकार देने वाली है, ये आमदार ने खुद ने बताया है। तो कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है, 1 साल 2 साल उसे लगते हैं। जब आप शहर में 50 काम का भूमि पूजन और शिलान्यास कर रहे हो, फाउंडेशन कर रहे हो, उद्घाटन कर रहे हो, तो इस काम को मान्यता देने में क्या दिक्कत थी? इसका भी भूमि पूजन आप कर लेते। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा वालों ने आदरणीय बाला साहब ठाकरे का अपमान किया है। सर, मोदी जी जब मुंबई में आए थे अभी हाल ही में, तब उन्होंने कहा था कि भाजपा बड़ा भाई है, शिवसेना छोटा भाई है। अब ये बड़ा भाई छोटे भाई का अपमान कर रहा है, खास तौर पे आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा भाई जो है पूरी धन संपत्ति अपने ताबे में ले रहा है। किसी को मैं शेयर नहीं दूंगा। परिवार में होता है ना कि 2 भाई होते हैं, बड़ा भाई थोड़ा ताकतवर होता है तो छोटे भाई को दबा देता है, खत्म कर देता है, घर से बाहर निकाल देता है। तो ये लोकसभा के चुनाव में सेना को मजबूरी उन्होंने साथ में तो लिया कॉरपोरेशन में, लेकिन कहीं पे भी पावर में शेयर उनको नहीं दे रहे। सर, सेना भाजपा की युति नहीं थी, अलग अलग लड़े थे, फिर भाजपा के विधायक मेहता जी और सरनाइक जी दोनों ने युति कर ली नेताओं ने, लेकिन कार्यकर्ताओं का मन नहीं बना युति में। क्या ये युति अब टूटने वाली है? इसका कुछ फायदा कांग्रेस को होगा? नहीं, मुझे लगता नहीं कि ये युति टूटेगी, क्योंकि युति का संदर्भ जो होता है वो स्टेट की लीडरशिप डिसाइड करती है, नेशनल लीडरशिप डिसाइड करती है। और दोनों पार्टी के जो बयानात अभी आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि दोनों साथ ही में लड़ेंगे। इस पूरे माहौल को भाजपा महापौर और विधायक की ओर से महिला वर्सेस पुरुष इस तरह का एक रंग रूप दिया जा रहा है कि महापौर महिला है कहकर, क्या ये जानबूझकर डायवर्जन लाया जा रहा है? उनकी कोशिश रहेगी, क्योंकि उनके समझ में शायद आया होगा कि ये बड़ी गलती हो गई हमारे से, और ये गलती को भी हम सुधार नहीं पाएंगे, क्योंकि बाला साहब का, प्रमोद महाजन जी का अपमान उन्होंने किया।